मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हम आर कन्या सिपरी बाजार पर खड़े हैं, जो कि आप देख सकते हो बाजार गुलजार है, केले लगे हुए हैं। एक समय यहाँ पर ऐसा था कि मंडे को सिपरी बाजार बंद रहता था, तो सिपरी बाजार में भीड़ भी नहीं रहती थी, पूरा मार्केट बंद रहता था। अब प्रशासन के द्वारा सैटरडे संडे लॉकडाउन कर दिया गया है, तो अब मंडे को बाजार गुलजार है, खुल गया है। अब हर सोमवार को बाजार खुलता है, क्योंकि सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है, इस वजह से सोमवार को बाजार खुलता है। आप देख सकते हैं बाजार में सारी चहल पहल है। ये सुभाष मार्केट की ओर जाने वाला मार्ग है। यहाँ पर जो ठेले लगे हैं कपड़े के, फल के, यहाँ पर सोमवार के दिन काफी कम दुकानें लगती थी, फुटपाथ पे ही लोग लगा लेते थे। पूरा सोमवार के दिन बाजार खुला है सिपरी बाजार का। वो बजाय ये है कि सैटरडे संडे प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन किया गया है, इसलिए मंडे को बाजार खुला है। बाजार में भीड़ कम है, क्योंकि कोरोना की दहशत अभी भी लोगों के अंदर है, तो बाजार में कम ही निकल रहे हैं लोग, बाग जरूरत पर ही निकल रहे हैं, और मुंह में मास्क लगाकर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, लेडीज बिना मास्क के नहीं निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। झांसी की जनता काफी जागरूक हो गई है, इसलिए हम कोरोना महामारी को हराने जा रहे हैं। झांसी में अब कोरोना पॉजिटिव केस कम ही मिल रहे हैं, जो कि टेस्टिंग ज्यादा जा रही है सैंपल, और पॉजिटिव केस कम निकल रहे हैं। ये अत्री चौराया है सिपरी बाजार का, दुकानें सारी खुली हुई हैं, लेकिन भीड़ कम है, क्योंकि अब वजह एक और भी है कि कल प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए थे मानिक चौक बड़ा बाजार खोलने के, जो बफर जोन एरिया में एक दो महीने से बंद था, अब वो आज से खुल गया है पूरा बाजार। तो जो ग्राहक हैं, ग्राहक कुछ वहां भी शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ी भीड़ कम देखी जा सकती है सिपरी बाजार में, क्योंकि बड़ा बाजार मानिक चौक खुल चुका है समय। दुकान में ये सुभाष मार्केट का एरिया है। क्योंकि बड़ा बाजार मानिक चौक, बसाती बाजार, सारा बाजार खुल चुका, आप देख सकते हैं फुटपाथ में, लेकिन मंडे को दुकानें लगती थी, आज भी मंडे है। इस समय हम सब्जी मंडी पे देख रहे होंगे, जो सारी सब्जी मंडी बंद है इस समय। आइए हम कुछ दुकानदारों से बात कराते हैं, क्योंकि प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए थे कि किराना की दुकान और सब्जी मार्केट जो कैंप लगे हुए हैं कोरोना टेस्टिंग के, उनकी कंपलसरी कराना है। आइए हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं, आप पहले अपना नाम बताइए। राजेश कुमार साहू। जो प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं
कि किराना और सब्जी वालों को कंपलसरी कोरोना टेस्टिंग करानी है, तो इसमें आपका क्या विचार है? नहीं तो प्रशासन ने जो कहा है उसमें आपका विचार क्या है कि अगर कैंप लगता है तो? और लोगों से क्या कहना चाहते हो? तो आपने कराई अभी? आपने तो यहाँ कैंप लगेगा तो आप कराने को तैयार हैं? धन्यवाद। आइए हम एक महान भाव जो प्रतिष्ठित आदमी है प्रभु किराना स्टोर सीपरी बाजार में, हम उनसे आपकी बात कराते हैं, जो कि प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि किराना दुकान और सब्जी मंडी को टेस्टिंग कराना कोरोना की जरूरी ही है। आइए हम बात करते हैं प्रभु जी से। भाई साहब नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने बाजार के लोगों को दिशा निर्देशित करूँ कि कम से कम कोविड 19 की जांच करवाएं, किसी सरकारी कोई भी बाजार में इस तरह की हरकत नहीं हो कि आपको बाजार को किसी तरह ठीक करना पड़ा। प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, हम सबसे ऐसी आशा रखते हैं और अपने बाजार के लिए सब लोगों को आज ऐसा करते हैं कि सभी लोग कृपया करके मास्क लगाएं। प्रशासन अगर यहाँ पे कैंप लगाता है तो आप जांच कराने के लिए आगे बढ़ेंगे? सारे व्यापारी तैयार हैं, सारे व्यापारी भाई तैयार हैं, कम से कम जांच होना चाहिए। और देखो तो आप मांग कर रहे हैं हमारे मार्केट संवाद चैनल से प्रशासन से कि यहाँ सीपरी बाजार व्यापार है जो सुभाष मार्केट, यहाँ पे आप मांग करे प्रशासन से कि कैंप लगाया जाए टेस्टिंग का, जो सारे व्यापारी टेस्टिंग करा सके। जैसे आज शायद प्रशासन द्वारा पुल के नीचे कोई कैंप लगाने के लिए उन्होंने कल दिया था आदेश कि हम पुल के नीचे कैंप लगाएंगे और व्यापारियों की वहाँ जांच करेंगे। कल तो मीटिंग में भी इस बात को बताया गया था, व्यापारी सब तैयार है जांच कराने के लिए। धन्यवाद। अब हम आपको लेके चलते हैं एक सब्जी मंडी में, सब्जी की दुकान है, उनसे बात कराते हैं। भैया जी, प्रशासन ने जो निर्देश दिया है कि सब्जी मंडी किराना बाजार को कोरोना टेस्टिंग कराना जरूरी है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रशासन के साथ है, प्रशासन जो करेगा अच्छा करेगा। अगर यहाँ पे कैंप लगता है तो आप कराने को तैयार हैं? और अपने सब दुकानदारों को क्या निर्देश देना चाहते हैं? जो हमने कहा जो कही है। और भी हम एक किराना बाजार में जो किराना की दुकान है, आइए हम बात कराते हैं उनसे। भैया जी नमस्कार, जो प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं कि किराना वाले और सब्जी वालों को कोरोना की टेस्टिंग जरूर ही कराना है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? तो आप प्रशासन से हमारे मार्केट संवाद चैनल से मांग करिए कि यहाँ पे वो कैंप लगना चाहिए, तो हम फिर आप क्यों नहीं गए कराने? सर जानकारी हुई थी। हाँ। नहीं था कि अच्छा, अगर लगता है तो आप लोग तैयार हैं कराने को? धन्यवाद। आइए और हम एक किराना मार्केट में और एक दुकान है जो हम बात कराते हैं। भैया जी नमस्कार, प्रशासन ने जो पेपर में समाचार पत्र में निकाला था कि सब्जी मंडी और किराना वालों की कोरोना टेस्टिंग होनी चाहिए कंपलसरी, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अगर यहाँ पे कैंप लगता है तो आप तैयार है कराने के लिए? तो आप प्रशासन से मांग करिए हमारे चैनल से कि जल्दी ही आप कैंप लगाएं सीपरी बाजार में, जिससे सारे व्यापारी करा सकें।
धन्यवाद। पूरा बाजार गुलजार है लेकिन भीड़ कम है। यहाँ पे सुभाष मार्केट में मंडे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। उसका कारण था सारी दुकानें बंद रहती हैं, फुटपाथ पे ही लोग दुकान लगाते थे क्योंकि सस्ता बेचते थे, कुछ पुराना कपड़ा बेचते थे, इसलिए लोग सस्ते के चक्कर में काफी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज उतनी भीड़ नहीं है। धन्यवाद। मार्केट संवाद, रिपोर्ट अनिल मौर्य, झांसी।